आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है कि ली शेटली प्रिंसिपल को हम लोगों ने खत्म किया था, उसी के बेस के ऊपर हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर भी स्पेसिफिकली हम लोग जो है वो हैपर्स प्रोसेस को देखेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हैपर्स प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं और उसकी जो प्रोडक्शन है हम लोग उसको मैक्सिमाइज जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज हैं कि हैबर्स प्रोसेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो अमोनिया सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या यहीं से एमसीक्यूज बनता है कि अमोनिया सिंथेसिस के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास हैबर्स प्रोसेस जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर सेकेंड यहाँ से जो बात पूछी जाती है कि किन्होंने इसको जो था वो सबसे पहली दफ़ा जो था वो हमें बना के दिया था ये प्रोसेस, तो एफ हैबर उन साइंटिस्ट का नेम है। फिर तीसरी बात कि पहली दफ़ा इसको कब इस्तेमाल किया गया था 1933 के अंदर, ये सारी की सारी बातें इंफॉर्मेशनल बेस्ड हैं। खैर नेक्स्ट बात जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको हम लोग जब टेम्परेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए आंसर कर रहे होंगे। ये हमारे पास रिएक्शन है कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया या फिर 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर जो डेल एच की वैल्यू है वो -92.46 किलो जौल, या फिर आप लोगों को यही वैल्यू इस तरह से भी देखने को मिल सकती है कि -46.23 किलो जौल पर मोल जो है ये भी वैल्यू आप लोगों के पास बिल्कुल ठीक है। ये जो वैल्यू है 92.46 किलो जौल, ये हमारे पास 2 मोल्स के लिए ऑब्जर्व की जाती है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पर मोल इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो हमारे पास -46.23 किलो जौल पर मोल है इसकी वैल्यू है। ये वैल्यूज दोनों का ख्याल रखना है कि वो आपसे पूछ किस तरह से रहा है। अगर वो 1 मोल के लिए पूछेगा तो 46.23 ठीक है, और अगर 2 मोल्स के लिए पूछेगा तो वो 92.46 किलो जौल जो है वो हमें देखने को मिलती है। टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, अब इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इस प्रोसेस को वर्थ वाइल बनाने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोसेस वर्थ वाइल तब होता है जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अब हम लोग ली शेटली प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए कौन सी ऐसे चेंजेस ला सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर कि हमारे पास अमोनिया के सिंथेसिस जो है वो मैक्सिमाइज की जा सके, तो उसके लिए सबसे हम लोग पहले जो है वो इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन में हम लोगों ने ये बातें की थी कि हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग अमोनिया की सिंथेसिस को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ख्याल है, हमें नाइट्रोजन को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा? ऐड ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इज अ रिएक्टेंट, अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाकर अमोनिया के सिंथेसिस को बढ़ा देगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अमोनिया के साथ हमें क्या चेंज करनी पड़ेगी कि आपके पास अमोनिया के सिंथेसिस बढ़ जाए, रिमूव तो करेंगे। अमोनिया एक प्रोडक्ट है तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड हाइड्रोजन को भी हम लोग ऐड कर रहे होंगे। सिंपली हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं, और ये बातें हमने पहले ही डिस्कशन के अंदर की थी कि अगर आप लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को रिएक्टेंट्स को ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा, तो जो रिएक्शन है वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड कर जाता है। फिर कहता है कि हमें प्रेशर के साथ क्या करना पड़ेगा कि रिएक्शन जो है वो आप लोगों के पास अमोनिया सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। इंक्रीज इंक्रीज प्रेशर को हमें यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर के केस में हम लोगों ने ये बात की थी कि एक तरफ आप लोगों के पास रिएक्टेंट के मोल्स हैं और एक तरफ प्रोडक्ट्स के मोल्स हैं। रिएक्टेंट के मोल हमारे पास 4 हैं, प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास 2 हैं। हमने कम मोल्स की तरफ जाना है तभी हमारे पास जो अमोनिया है उसकी सिंथेसिस ज़्यादा होगी। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ प्रोसीड करेगा और अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसाइज कर रहा होता है। अगर वो आपसे पूछता है कि वॉल्यूम के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज डिक्रीज तो वॉल्यूम को हमें करेंगे। डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम उस डायरेक्शन की तरफ ले जाता है रिएक्शन को जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। और अगर वो आपसे टेम्परेचर के बारे में पूछता है तो क्या आएगा, डिक्रीज
तो जब हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर आप लोगों ने अमोनिया के सिंथेसिस को बढ़ाना है या आप लोगों ने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर जाना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। तो ये जो पहले 3 पॉइंट्स है, ये कंसनट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, ये हमारे पास दोनों प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आ जाते हैं, और ये हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से ये वाली चेंजेस अगर हम लोग लेकर आते हैं, तो हम लोग अमोनिया के सिंथेसिस जो है वो हैबर्स प्रोसेस के थ्रू जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन्हीं में से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जाता है कि अमोनिया के सिंथेसिस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें करने से एक्सेप्ट। तो आप लोगों को उसी के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ उसने पूछी होगी, उसी के मुताबिक हम लोग जो है वो इस चीज़ को आंसर कर रहे होते हैं। वो इन्फॉर्मेशनल बेस्ड आप लोगों से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। वो आप लोगों से कॉन्सेप्ट इसी तरह का आएगा कि अगर अमोनिया के सिंथेसिस को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा या क्या नहीं करना पड़ेगा, इस तरह की बातें जो है वो आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज के तौर पर पूछी जा रही होती हैं। अब हैबर्स प्रोसेस के अंदर वो कंडीशंस लिखता है कि कौन सी कंडीशंस आप लोगों को रिक्वायर होती हैं। तो कहता है कि टेम्परेचर आप लोगों को रिक्वायर होता है एट द मॉडरेट लेवल। अगर आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने जब कंडीशंस की बात की, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास टेम्परेचर अगर कम होगा तो हमारे पास जो यील्ड होती है, जो अमोनिया मतलब प्रोडक्ट होती है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिंथेसाइज होती हुई दिखाई देती है। लेकिन टेम्परेचर कम रखने से नुकसान हमें ये होता है कि जो रेट होता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। नहीं, टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। है? क्या फिर दूसरी चीज की तरफ जा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन का आपस में क्या रिलेशन है। कल मैंने एक एमसीक्यूज भी आप लोगों से इस तरह का करवाया था एक। डायरेक्ट उसके अंदर हमने ये बात की थी कि टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कम है। जब टेम्परेचर कम होगा तो बेटा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कम होने का मतलब ये है कि अमोनिया के बनने की जो स्पीड होती है वह बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ बहुत ही देर के साथ बने, क्योंकि जब स्पीड ऑफ रिएक्शन कम होगी तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत देर से बनती है। इंडस्ट्री के अंदर तो हमें कैसी अप्रोच चाहिए होती है जिससे हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जो है वो उसको जल्दी से हासिल कर रहे हों। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक अप्रोच होने की वजह से आप लोगों के पास यील्ड जो है वो कम बनती है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम रखेंगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो बनने की स्पीड होती है वो कम होती है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर को मॉडरेट लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं, ताकि ना ही आप लोगों के पास यील्ड इतनी कम हो जाए और ना ही आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इतना कम हो जाए। तो हमारी बुक लिखती है कि आप लोगों को कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, वो हमारे पास 400 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोगों ने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो 673 केल्विन जो है वो हमें टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर होता है। अगर प्रेशर की बात करते हैं तो 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें यहाँ पर रिक्वायर होगा। फिर कहता है कि यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो आयरन क्रिस्टल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि इम्बेड होते हैं। इम्बेड का मतलब होता है दंसे हुए होना। तो ये किसके अंदर दंसे हुए होंगे? इन अ फाइंड मिक्सर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एंड SiO2। और ये कहा जाता है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें इकट्ठे मिलके प्रोमोटर के तौर पे काम करती हैं। और प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर को हम लोग कैटलिस्ट फॉर अ कैटलिस्ट बोल रहे होते हैं। मतलब कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन की स्पीड को तेज करता है, और कैटलिस्ट के काम करने की स्पीड को भी जो हम लोग तेज करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास प्रोमोटर कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिकली हमारे पास यहाँ पे जो है वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, तो बेटा वो आयरन क्रिस्टल जो है वो स्पेसिफिकली आप लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, जबकि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है ये एक्ट कर रही होती हैं यहाँ पे प्रमोटर्स के तौर पर। फिर ये नेक्स्ट बातें जो है ये भी इंफॉर्मेशनल बेस्ड हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सर कंटेन 35% बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब अगर हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं कि N2+3H2 ये मिलके आप लोगों के पास 2NH3 बनाता है। अब हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि इस मिक्सर के अंदर रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो कहते हैं जब आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है ना, तो इक्विलिब्रियम अटेन के ऊपर अगर आप लोगों के पास ये कंटेनर 100% है, तो इस 100% में से 35% आप लोगों के पास प्रोडक्ट होगा, मीन टू से
अमोनिया होगा और बाकी 65% जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर के ऊपर आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये बात वो यहाँ पे लिख रहा है। फिर नेक्स्ट कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया जो है वो हमारे पास -33.4 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा याद रखिएगा कि अमोनिया कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आप लोगों ने पीछे ये बातें पढ़ी हुई हैं चैप्टर नंबर 4 में कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं तो ये बहुत ही कम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है। इससे आप लोग एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है इस बात में कोई शक नहीं है कि ये इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन बाज दफा हमारे पास ऐसा होता है कि वहां पे मैसेज वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाया करते हैं। अगर मैं आप लोगों को लिक्विड वाला यूनिट पढ़ाऊंगा तो हम लोग उसमें ये चीजें देखेंगे इंशाल्लाह कि कब आप लोगों के पास इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस डोमिनेट करती हैं और कब आप लोगों के पास मैसेज हैं वो डोमिनेट करते हैं। अभी तक आप लोग सिर्फ यही बात याद रखें कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये -33.4 है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हम लोगों को ये कहना चाहिए था कि इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ ज्यादा ही होता, लेकिन इतना कम होने की वजह ये है कि इसमें मैसेज डोमिनेट कर जाते हैं। और मैसेज डोमिनेट करना, मैस डोमिनेट कब करता है, जब हमारे पास यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी एक्ट कर रही होती हैं बेसिकली। तो जितना कम मैस होता है उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज उतनी ही कम होती हैं। जितनी फोर्सेज फिर कम होंगी हम लोग कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जब हमें उतना ही कम देखने को मिलता है। अभी तक आप लोगों की बुक में जो एग्जाम्पल इस तरह की कोट की जाती है जिसमें मैसेज डोमिनेट कर जाते हैं वो हमारे पास अमोनिया वाले ही है। आप लोगों का इसका बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितना है। जिस तरह से आप लोग वाटर का याद रखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, जिस तरह से आप लोग एथेनॉल का याद रखते हैं 78 डिग्री सेल्सियस है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि -33.4 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें देखने को मिलता है। जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों का बताऊँगा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स में चीजें लिखी हुई हैं और आप लोगों के सिलेबस में है, तो उन तमाम चीजों के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज आप लोगों को एस एच एस जो है वो जुबानी याद होनी चाहेंगे। फिर कहता है कि 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड इंडस्ट्रियली। अब आप लोग ये पढ़ते हैं कि हमारी हवा के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है और 78% है, लेकिन हम लोग ये भी बात पढ़ते हैं कि हम लोग इस नाइट्रोजन को एस एच एस इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीजन क्या होती है कि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग आम फोर्सेस की मदद से इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते। कहा जाता है कि इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर होती है जितनी के बिजली की गरज से जो है वो हमें एनर्जी हासिल हो रही होती है। तो नाइट्रोजन उसी वक्त ब्रेक कर सकती है जब आप लोग लाइटनिंग जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप लोगों ने 10th क्लास चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी की बुक के अंदर फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, या आप लोग बायोलॉजी सेकेंड ईयर के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन फिक्स कैसे की जाती है उन चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में सिर्फ यही लिखा होगा कि हम लोग बैक्टीरिया के थ्रू जो है बैक्टीरियोसोमोनास इस तरह से कोई बैक्टीरिया है जिसकी मदद से हम लोग इसको फिक्स करते हैं और अपने इस्तेमाल के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही इस नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते बल्कि हम लोग इसको इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस लेकर आते हैं। तो वो याद रखिएगा कि कितने परसेंट होता है, वो हमारे पास 13% ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो इंडस्ट्रियली की जाती है, बाकी जो 87% है वो बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू भी की जा सकती है और लाइटनिंग वगैरह के थ्रू भी होती है। तो उनका कंटेंट हमारी बुक के अंदर गिवन नहीं है तो हमें उनका पता होना जरूरी भी नहीं है। जो चीज़ें पता होना जरूरी है वो पता होनी चाहिए आप लोगों को। फिर कहता है कि 100 मिलियन टन ऑफ अमोनिया आर प्रोड्यूस एनुअली, सालाना एक साल के अंदर हम लोग कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं, 110 मिलियन टन जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है। फिर कहता है कि जितना हम लोग अमोनिया बनाते हैं उसमें से 80% अमोनिया जो है वो हम लोग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एक्सप्लोसिव मीन टू से धमाका खेज चीज़ें बनाने के अंदर, या फिर प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन, हम लोग जितने भी कपड़े वगैरह पहनते हैं उनके फॉर्मेशन के अंदर, या फिर दूसरे पॉलीमर्स की फॉर्मेशन के अंदर जो है वो हम लोग अमोनिया को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों का इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशनल बेस्ड एमसीक्यूज एज वेल एज कंसेप्चुअल एमसीक्यूज। कंसेप्चुअल एमसीक्यूज इसी तरह से पूछा जाएगा कि कब हम लोग अमोनिया के सिंथेसिस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही होंगी। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने कल पढ़ा था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन केसी। ये हैबर्स प्रोसेस जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर और केसी का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स टेम्परेचर और केसी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है, मतलब अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे केसी की वैल्यू जो है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही होती है।
कहता है कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद केसी बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये आप लोगों की बुक के अंदर एक टेबल गिवन है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है तो केसी की वैल्यू 7.7 × 10^15 के अंदर आपको देखने को मिलती है। फिर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आप लोगों के पास फिर केसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है एंड सो ऑन। आप लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं आप लोगों के पास जो केसी की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज होती रहती है। तो ये वैल्यूज ऐसे चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कब किस टेम्परेचर के ऊपर केसी की वैल्यू कितनी है। सिर्फ इतना एक जनरल ट्रेंड लास्ट में पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे होंगे तो आप लोगों के पास जो केसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही होती है। ये बात आप लोगों की बुक के ऊपर जो टेबल 8.2 बना हुआ है उससे भी आप लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट यहीं से मैंने टेबल जो है ये उठाया हुआ है। उसके बाद एमसीक्यूज हैं। यहाँ तक कोई इशू है हैपर्स प्रोसेस के अंदर या कोई चीज पूछनी है हैबर्स प्रोसेस में तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं कि इससे कैसे पूछे जाते हैं। नो सर, चलें एक तो ये बात होगी, बल्कि पहले इसका आंसर करें फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। कैटलिस्ट यूज फॉर द अमोनिया सिंथेसिस। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नहीं हेलोजन या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्लाह ट्रांजिशन बेटा, ट्रांजिशन मेटल आंसर है। अल्कली मेटल्स इनको बोलते हैं कैसे बेटा। पहली उस बात तो ग्रुप ये, को? हाँ पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये तो बताना चाहिए ना कि कैटलिस्ट है कौन सा अमोनिया सिंथेसिस के लिए। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास आयरन है। आयरन, ओह सॉरी, अब अल्कली मेटल ग्रुप 1 ने है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का हम लोग काउंटिंग करते हैं। खैर ये हमारे पास फर्स्ट ही है। फिर अल्कलीनस मेटल हम लोग ग्रुप 2A को बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बैरियम है, और उसके बाद रेडोन आ जाता है। खैर ये हमारे पास अल्कलीनस मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल के अंदर आप लोगों ने जो पढ़ी हुई है वो हमारे पास 3D सीरीज है जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, उसके बाद क्रोमियम है, हाँ मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और कॉपर है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जिंक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल है, हेलोजन बोला जाता है ग्रुप 7A को, और इसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, क्लोरीन आयोडीन और एस्टेटिन जो है इंक्लूड है। इसके अलावा एक ही है ग्रुप जिसका नेम आप लोगों को पता होना चाहिए, वो हमारे पास नोबल गैसेज हैं। इनको जीरो ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। खैर नोबल गैसेज के अंदर हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टोन और जीनोन, मतलब ये चार ग्रुप्स हैं जिनकी बुक ने ना हमें नाम बताए हुए हैं। तो ये इनके नाम भी आप लोगों को पता होने चाहिए। अदरवाइज 3A का नाम भी होता है, 4A का भी होता है, 5A का भी होता है, 6A का भी होता है। वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है और ना ही हमें उन्हें चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से दो तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। आपसे एग्जैक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा कैटलिस्ट है, तो वो हमारे पास आयरन है। वो आयरन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो वो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो किस पीरियड से बिलोंग करता है, बता सकते हैं आप लोग? आयरन बिलोंग्स टू डैश पीरियड, किस पीरियड से बिलोंग करता है? ऑप्शन है 2 बीटा में 3 लिख देते हैं, चाली में 4 लिख देते हैं, डेल्टा में 5 लिख देते हैं। क्या आंसर होगा? 3 तो नहीं है, 5 फोर्थ से ये बिलोंग करता है, फोर्थ पीरियड। अच्छा अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। मैं आपसे पूछता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के बताएं ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है और ये एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो कैसे बता सकते हैं आप लोग? सिक्स पीरियड है और 3 ग्रुप है। सिक्स पीरियड। यस सर, उलट बता दिया आपने,
ग्रुप्स है और थ्री पीरियड। ये हमारे पास सिक्स जो है, सिक्स से ग्रुप से बिलोंग करते हैं और पीरियड जो है वो इसका थर्ड है। एक बात याद रखनी है कि जो ग्रुप नंबर होता है ना, अगर न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो जो ग्रुप नंबर है वो हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, कि आपके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद हैं। और जो पीरियड नंबर होता है ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ शेल्स के, या इसी का हम लोग जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे रहे होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। लाइक यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के पास सबसे आउटर जो है वो शेल नंबर कौन सा नजर आ रहा है, शेल हम लोग इसी को बोलते हैं ना। लाइक आप लोग लिखते हैं 1s या 2s लिखते हैं या 2p लिखते हैं, 3s लिखते हैं, 4p लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो इसमें जो नंबर होता है ना ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और यही हमारे पास प्रिंसिपल काउंटर नंबर होता है। तो हमने इन तमाम वैल्यूज में से देखनी होती है कि सबसे लास्ट पे कौन सी वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है। तो सबसे लास्ट पे आप लोगों के पास जो है वो 3 ही वैल्यू जो है वो आपको देखने को मिलती है। मीन टू से कि हमारे पास अगर आपसे पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं तो भी आंसर आप लोगों के पास 3 ही होगा। मैं आपसे पूछता हूँ इसका प्रिंसिपल काउंटर नंबर क्या है तो भी 3 ही आंसर है। मैं आपसे पूछता हूँ इसका पीरियड नंबर क्या है तो भी आंसर जो है वो हमारे पास 3 ही होगा। और अगर वो आपसे ग्रुप नंबर पूछता है तो आपने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। तो बैलेंस शेल जो है वो हमारे पास थर्ड शेल है। अब थर्ड शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं और पी के अंदर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो 2 + 4 आप लोगों के पास जो आंसर है वो 6 आएगा। मीन टू से ये जो एलिमेंट था ये हमारे पास 6 ग्रुप से और थर्ड पीरियड से जो है वो बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैंने आयरन का आपसे पूछा था तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 26 होता है। अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आर्गन मतलब 18 यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद 4s2 और 3d6 होते हैं। अब सबसे जो वैलेंस शेल है वो हमारे पास 4 वाला होगा। तो यही आप लोगों का जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप लोगों के पास यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड नंबर होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, फोर्थ पीरियड से जो है ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा होता है। खैर ये मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग किस तरह से ग्रुप नंबर के बारे में और पीरियड नंबर के बारे में बता सकते हैं उन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बहस की है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर करें कि डैश परसेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अकम्प्लीट इंडस्ट्रियली 13%। अगर मैं कहूँ इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है फाइबर प्रोसेस के जरिए 13% है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस दिया हुआ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लिया करें उसके बाद जो है आंसर करना है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कितनी, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में तो हम लोग अमोनिया को सिंथेसाइज ही नहीं करते। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन था नन ऑफ दीज था। खैर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जगह पे आवाज खराब आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है? ये सर अब ठीक आ रही है। अच्छा अभी बताएं कि अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बजाय वो आप लोगों को हाइब्रिड प्रोसेस बोलता है फिर हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा? 13 होगा। फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमें 13% देखने को मिलेगा। कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट इन लोअर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन हाइब्रिड प्रोसेस। सी। तो यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, अमोनिया सिंथेसिस इंक्रीज हो रही थी, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है इसको ऐड करेंगे फिर भी अमोनिया की सिंथेसिस बढ़ती है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये एक्सोथर्मिक अप्रोच है, एक्सोथर्मिक अप्रोच में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चला जाता है, मतलब अमोनिया की सिंथेसिस बढ़ेगी नहीं फिर कम होगी, यही राइट ऑप्शन है। तो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ लेके जाता है तो इसमें भी आप लोगों के पास अमोनिया की सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 40 देखने को मिलेगा।